हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं हूं आशीष और इस वीडियो में हम लेकर आए हैं आपके लिए कक्षा नाइन्थ की जो इंग्लिश है बिहाइव, उसका सेकेंड लेसन द साउंड ऑफ म्यूजिक। यहां पर देखिए, ये फर्स्ट पार्ट है जिसका टाइटल है एवलिन ग्लेनी लिसन्स टू साउंड विदाउट हियरिंग इट, यानी कि एवलिन ग्लेनी बिना सुने आवाज़ को सुनती है। तो यहाँ पर देखिए, हम इस वीडियो में इसको करेंगे डिस्क्राइब हिंदी में ताकि आप इस लेसन को बेहतर तरीके से समझ सकें। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं। यहाँ पर फ्रेंड्स देखें, बिफोर यू रीड, पढ़ने से पहले यहाँ पर कुछ पॉइंट्स दिए गए हैं और इनके माध्यम से कुछ चीज़ें आपको बताएंगे हैं। तो चलिए देख लेते हैं। गॉड मे हैव टेकन हर हियरिंग, ईश्वर ने शायद उसकी जो सुनने की क्षमता उसको छीन लिया है। बट He has given her back something extraordinary, लेकिन उसके बदले में उसे something extraordinary, कुछ खास चीज़ दी है, या कुछ खास चीज़ उसको बदले में दी है। extraordinary में होता है कुछ खास। What we hear, जिससे वह सुनती है, she feels, वह महसूस करती है, far more deeply than any of us, हम में से कहीं अधिक गहराई से वह महसूस करती है। दैट इज़ व्हाई, इसी कारण से सी एक्सप्रेसेस म्यूजिक सो ब्यूटीफुली, इसी कारण से वह म्यूजिक संगीत को इतनी सुंदरता के साथ एक्सप्रेस करती है, अभिव्यक्त करती है या पेश करती है। तो यहाँ पर देख लीजिए, इसका ये भावार्थ हो गया। आगे देखें, रीड द फॉलोइंग अकाउंट ऑफ ए पर्सन हु फॉट अगेंस्ट फिजिकल डिसेबिलिटी। रीड द फॉलोइंग अकाउंट, निम्नलिखित अकाउंट, कहानी, एक व्यक्ति की कहानी या एक व्यक्ति के बारे में पढ़िए। हु फॉट अकाउंट ऑफ ए पर्सन का मतलब एक व्यक्ति के खाते को, निम्नलिखित खाते, एक व्यक्ति के खाते को पढ़िए, या अकाउंट का मतलब हो सकता है किसी व्यक्ति विशेष की जानकारी या कहानी के बारे में पढ़िए। एंड फॉट अगेंस्ट फिजिकल डिसेबिलिटी, जो एक शारीरिक अक्षमता के खिलाफ लड़ाई लड़ता है, लड़ाई लड़ती है। एंड मेड हर लाइफ ए सक्सेसफुल स्टोरी, और अपने जीवन को एक सफल कहानी बना देती है। ये हो गया इसका भावार्थ। फिजिकल डिसेबिलिटी मीन्स होता है शारीरिक अक्षमता। आगे देख लें, यहाँ से आपका जो लेसन है वो स्टार्ट होता है और ये है आपका फर्स्ट पैराग्राफ। तो चलिए देख लीजिए। रश आवर क्राउड्स जोशल, रश आवर का मतलब होता है ज़्यादा भीड़ भाड़ वाले इलाके में। जोशल फॉर पोजिशन ऑन द अंडरग्राउंड ट्रेन प्लेटफॉर्म, भूमिगत ट्रेन का जो प्लेटफॉर्म था उसमें अपने अपने पोजिशन को स्थापित करने के लिए, या अपनी अपनी पोजिशन यानी कि वहाँ पर अपनी अपनी जगह बनाने के लिए लोग जोर शोर से धक्का मुक्की कर रहे थे भीड़ में। यहाँ पर देखें, रस मिस होता है भीड़ भाड़। रस आवर्स क्राउड्स का मतलब एक ऐसा समय जब बहुत ज़्यादा भीड़ होती है। जोशल फॉर पोजीशन, जब जोशल का मतलब होता है धक्का मुक्की करना। फॉर पोजीशन, अपनी जगह के लिए, अपनी सीट के लिए। ऑन द अंडरग्राउंड ट्रेन प्लेटफॉर्म, जो प्लेटफॉर्म था उसमें बहुत ज़्यादा भीड़ थी। अंडरग्राउंड का मतलब जो ज़मीन के अंदर प्लेटफॉर्म बना हुआ था। ए स्लाइट गर्ल, स्लाइट गर्ल, स्लाइट मीन्स होता है दुबली पतली। एक दुबली पतली लड़की, लुकिंग यंगर देन हर 17 ईयर्स, जो 17 साल से कम उम्र की दिखाई पड़ती थी। वाज नर्वस, बेचैन थी। नर्वस का मतलब होता है बेचैन होना। नर्वस मीन्स होता है बेचैन होना। वाज नर्वस येट एक्साइटेड, नर्वस थी लेकिन इसके बावजूद एक्साइटेड, उत्साहित थी। एज शी फेल्ट द वाइब्रेशन ऑफ अप्रोचिंग ट्रेन, क्योंकि वह महसूस कर रही थी वाइब्रेशंस, कंपन ऑफ द अप्रोचिंग ट्रेन, ट्रेन के पहुंचती हुई ट्रेन के जो कंपन है वो उसको महसूस हो रहे थे, इसलिए वो वहाँ पर बेचैन तो थी लेकिन उत्साहित भी थी। आगे देख लीजिए, इट वॉज हर फर्स्ट डे, यह उसका पहला दिन था एट द प्रेस्टिजियस, प्रेस्टिजियस मीन्स होता है प्रतिष्ठित रॉयल अकेडमी ऑफ म्यूजिक इन लंदन। लंदन की जो संगीत की जो प्रतिष्ठित रॉयल अकेडमी थी उसमें एवलिन का यह पहला दिन था। एंड डॉन्टिंग इनफ फॉर एनी टीनेजर फ्रेश फ्रॉम स्कॉटिश फॉर्म, स्कॉटलैंड, स्कॉटिश फॉर्म का मतलब
स्कॉटलैंड की जो धरती है, जो जमीन है, या स्कॉटलैंड का जो देश है, उससे आई हुई एक किशोरी के लिए ये काफ़ी डरावना था। डांटिंग मीन्स होता है डरावना या भयभीत करने वाला। किसी भी किशोरी के लिए काफ़ी यह डरावना था या भयभीत करने वाला था। आगे देख लें, बट दिस एस्पायरिंग म्यूजिशियन फेस्ड ए बिगर चैलेंज देन मोस्ट। लेकिन इस महत्वाकांक्षी, एस्पायरिंग मीन्स होता महत्वाकांक्षी म्यूजिशियन संगीतकार, फेस्ड मीन्स होता सामना किया ए बिगर चैलेंज, बड़ी चुनौती का, देन मोस्ट मतलब अन्य लोगों की अपेक्षा इस महत्वाकांक्षी संगीतकार ने या म्यूजिशियन ने एक बड़े से बड़े चैलेंज का सामना किया जो अधिकांश लोग नहीं करते हैं। सी वाज प्रोफाउंडली डीप, वह पूर्ण रूप से बहरी थी या वह पूर्ण रूप से सुन नहीं सकती थी, इसको आप ऐसा कह सकते हैं। प्रोफाउंडली मीन्स होता है पूर्ण रूप से या गहराई से, डीप का मतलब होता है बहरा होना, यानी कि जो एवलिन थी वो पूर्ण रूप से बहरी थी, वो कुछ भी सुन नहीं सकती थी। आगे देखिए सेकेंड पैराग्राफ, एवलिन ग्लेनिज लॉस ऑफ हियरिंग हैड बीन ग्रेजुअल। एवलिन ग्लेनिज की जो सुनने की जो क्षमता का ह्रास हैड बीन ग्रेजुअल, धीरे धीरे हुआ था। ग्रेजुअल मीन्स होता है धीरे धीरे, और इसका भावार्थ हो जाएगा एवलिन ग्लेनिज लॉस ऑफ हियरिंग। एवलिन ग्लेनिज की जो सुनने की जो क्षमता थी उसका ह्रास, लॉस मीन्स होता है ह्रास, धीरे धीरे हुआ था। हर मदर रिमेंबर्स नोटिसिंग समथिंग वॉज रॉन्ग व्हेन द 8-year-old एवलिन वॉज वेटिंग टू प्ले द पियानो। हर मदर्स रिमेंबर्स, उसकी माँ याद करती है, रिमेंबर मीन्स होता याद करना, नोटिसिंग समथिंग कुछ चीज़ों को ध्यान करते हुए, वॉज रॉन्ग जो गलत हो रही थी, व्हेन 8-year-old एवलिन वॉज वेटिंग टू प्ले द पियानो, जब 8 साल की एवलिन वॉज वेटिंग टू प्ले पियानो, पियानो को बजाने के लिए इंतजार कर रहे थे। दे कॉल्ड हर नेम, उन्होंने उसका नाम पुकारा, यानी कि एवलिन का नाम पुकारा, एंड शी डिडंट मूव, और वह हिली भी नहीं, वह हिली भी नहीं। आई सडनली रियलाइज, तभी मुझे महसूस हुआ, रियलाइज का मतलब होता है महसूस करना, शी डिडंट हर्ड, कि उसने सुना नहीं था। सेज ईसाबेल ग्लेनी ने कहा, जो ईसाबेल ग्लेनी एवलिन की माँ थी, एवलिन ग्लेनी की माँ थी। फॉर क्विट ए वाइल एवलिन मैनेज टू कंसील हर ग्रोइंग डीफनेस। कुछ समय के लिए, फॉर क्विट ए वाइल यानी कि कुछ समय के लिए, एवलिन मैनेज टू कंसील हर ग्रोइंग डीफनेस। कुछ समय के लिए एवलिन अपने जो बढ़ते हुए जो बहरापन था उसको अपने मित्रों और जो टीचर्स थे उनसे छिपाने में सफल रही। बट बाय द टाइम, लेकिन समय के साथ, सी वॉज 11 हर मार्क्स, लेकिन समय के साथ जब वह 11 साल की थी, हर मार्क्स हैड डिटेरियोरेटेड का मतलब होता है कम होते जाना या बिगड़ते जाना। उसके जो मार्क्स थे वो धीरे धीरे कम होते गए प्रत्येक एग्जाम्स में, प्रत्येक टेस्ट में। एंड हर हेड मिस्ट्रेस, और उसकी जो प्रधानाध्यापिका थी, अर्ज्ड हर पेरेंट्स टू टेक हर टू ए स्पेशलिस्ट। अर्ज्ड का मतलब होता है आग्रह करना, हर पेरेंट्स उसके माता पिता से, टू टेक हर टू ए स्पेशलिस्ट, कि उसे किसी विशेषज्ञ के पास में ले जाएं। स्पेशलिस्ट का मतलब होता है विशेषज्ञ, जैसे जो जो बहरेपन से रिलेटेड जो डॉक्टर हो उसके पास में ले जाएं, ये प्रार्थना करी प्रधानाध्यापिका ने। आगे देखिए, इट वॉज देन डिस्कवर्ड, तभी मालूम हुआ, डिस्कवर्ड का मतलब होता है, इट वॉज देन डिस्कवर्ड दैट हर हियरिंग वॉज सेवरली इम्पेयर्ड एज ए रिजल्ट ऑफ ग्रेजुअल नर्व डैमेज। तब ये मालूम हुआ दैट, माने कि हर हियरिंग, उसकी जो सुनने की जो क्षमता थी वो सेवरली डैमेज, वो क्रमिक रूप से या बहुत गंभीर रूप से क्षतिग्रस्त हुई थी, बिकॉज ग्रेजुअल नर्व डैमेज, उसके जो तंत्रिका तंत्र के नष्ट होने के परिणाम स्वरूप उसके जो सुनने की जो क्षमता थी वो बहुत ही गहरे तरीके से या बहुत ही पूर्ण रूप से क्षतिग्रस्त हो गई थी, ये इसका भावार्थ हो। ग्रेजुअल का मतलब होता है धीरे धीरे, नर्व डैमेज
यानी कि उसके तंत्रिका धीरे धीरे नष्ट होने के परिणाम स्वरूप उसने की जो सुनने की क्षमता थी वो पूर्णतः नष्ट हो गई थी। आगे देखें, देवर एडवाइज्ड, उसको सलाह दी गई थी दैट कि सी शुड बी फिटेड विथ हियरिंग एड्स। हियरिंग एड्स का मतलब होता है सुनने वाला यंत्र। आप देखते हैं जिनको सुनाई नहीं देता है तो उनको एक मशीन लगा दी जाती है कान में ताकि वो उस मशीन की सहायता से सुन सकें। तो डॉक्टर ने जो स्पेशलिस्ट थे उन्होंने सलाह दी कि सी शुड बी फिटेड विथ हियरिंग एड्स, कि उसे हियरिंग एड्स को फिट करवा लेना चाहिए। एंड सेंड टू स्कूल फॉर द डीफ, और उसे बहरों के विद्यालय में या श्रवण बाधित जो बच्चे होते हैं उनका जो विद्यालय होता है उसमें उन्हें उसे भेजा जाए। एवरीथिंग सडनली लुक्ड ब्लैक, सेज एवलिन। एवलिन कहती है कि सब कुछ निराशाजनक सा हो गया था, मतलब जैसे उन्हें ये जानकारी मिली थी कि उसका जो तंत्रिका तंत्र है पूर्ण रूप से डैमेज हो चुका है और उसकी वजह से उसका जो सुनने की क्षमता है वो पूर्णतः नष्ट हो गई है, तभी जो एवलिन है इसाबेल एवलिन कहती है कि सब कुछ अजीब सा महसूस होने लगा था, एवरीथिंग सडनली लुक्ड ब्लैक, यानी कि सब कुछ बड़ा ही निराश में लगने लगा था। आगे देखिए, बट एवलिन वॉज नॉट गोइंग टू गिव अप। गोइंग टू गिव अप का मतलब होता है हारने के लिए तैयार होना, तो यहाँ पर भावार्थ हो जाएगा गिव अप का मतलब होता है हारना। बट लेकिन एवलिन हारने के लिए तैयार नहीं थी या हार मारने के लिए तैयार नहीं थी। शी वॉज डिटरमाइनेड टू लीड ए नॉर्मल लाइफ, उसने एक सामान्य जीवन व्यतीत करने का निश्चय किया। एंड परस्यू हर इंटरेस्ट इन म्यूजिक, और उसका जो संगीत में जो रुचि थी उसका उसने लक्ष्य का पीछा किया। परस्यू का मतलब होता है लक्ष्य का पीछा करना, यानी कि वो यहाँ पे कहना इसका जो भावार्थ हुआ सी वॉज डिटरमाइनेड टू लीड ए नॉर्मल लाइफ, उसने एक सामान्य जीवन और उसका जो संगीत के प्रति जो प्रेम था जो रुचि थी उसको बढ़ाने में का दृढ़ संकल्प कायम रखा। वन डे, एक दिन सी नोटिस्ड ए गर्ल प्लेइंग ज़ाइलोफोन, एक दिन उसने महसूस किया नोटिस किया कि एक लड़की प्लेइंग ए ज़ाइलोफोन, ज़ाइलोफोन एक वाद्य यंत्र होता है, कि एक लड़की ज़ाइलोफोन बजा रही है। एंड डिसाइडेड दैट सी वांटेड टू प्ले इट टू, और तब उसने डिसाइड किया कि वह भी इसको बजाना चाहेगी या वो भी इसको बजाएगी। मोस्ट ऑफ द टीचर्स, अधिकांश शिक्षकों ने डिस्करेज्ड हर, उसको हतोत्साहित किया। डिस्करेज का मतलब होता है हतोत्साहित करना, मना किया कि आपसे ये चीज़ें नहीं बन पाएंगी। बट परकशनिस्ट का मतलब होता है जो ताल वादक होता है, यानी कि जो तबला वगैरह बजाते हैं उसने परकशनिस्ट उनको कहा जाता है, ताल वादक। रॉन फॉर्ब्स स्पॉटेड हर पोटेंशियल, लेकिन वहाँ पर जो तबला वादक रॉन फॉर्ब्स नाम के व्यक्ति थे उन्होंने उसके अंदर जो क्षमता थी, योग्यता, पोटेंशियल का मतलब होता है योग्यता या क्षमता, उसको पहचान लिया। स्पॉटेड का मतलब होता है पहचान लेना। ही बिगेन टू ट्यूनिंग टू लार्ज ड्रम्स टू डिफरेंट टोन्स, उन्होंने या उसने बिगेन टू ट्यूनिंग टू लार्ज ड्रम्स, बड़े ड्रम्स को या बड़े बड़े जो दो ढोल थे उनको अलग अलग धुन में बजाना शुरू किया। बिगेन का मतलब शुरू करना, और ट्यूनिंग टू लार्ज ड्रम्स, दो बड़े ड्रम्स को यानी कि ढोल को, टू डिफरेंट नोट्स, डिफरेंट नोट्स का मतलब होता है अलग अलग ध्वनि में बजाना शुरू किया। डोंट लिसन थ्रू योर ईयर्स ही वुड से, और उन्होंने कहा या उसने कहा कि डोंट लिसन थ्रू योर ईयर्स, अपने कानों के द्वारा इसे मत सुनो। ट्राई टू सेंस इट सम अदर वे, सेज एवलिन। एवलिन कहती है कि उन्होंने कहा कि इसे किसी अन्य तरीके से सुनने का प्रयास करो या महसूस करने का प्रयास करो। ट्राई मीन्स होता कोशिश करो, टू सेंस इसे पहचानने का, इट सम अदर वे, किसी अन्य माध्यम से। सडनली आई रियलाइज, तभी मुझे अचानक महसूस हुआ, तभी सडनली का मतलब होता है तभी या अचानक। आई रियलाइज, मैंने महसूस किया, आई कुड फील द हायर ड्रम फ्रॉम द वेस्ट अप, कि जो हायर ड्रम जो ऊंची ध्वन में बज रहा था, जो ऊंची आवाज़ में जो ड्रम बज रहा था उसे मैंने कमर के ऊपर के हिस्से से, एंड द लोअर वन फ्रॉम द वेस्ट डाउन, और जो
थोड़ी धीमी आवाज में ड्रम बज रहा था, उसे मैंने कमर के नीचे के हिस्से से महसूस किया। फॉर्ब्स रिपीटेड द एक्सरसाइज, फॉर्ब्स ने इस अभ्यास को दोहराया। एंड सून एवलिन डिस्कवर्ड दैट शी कुड सेंस सर्टेन नोट्स इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ हर बॉडी, और तभी एवलिन डिस्कवर्ड ने महसूस किया दैट कि शी कुड सेंस, कि वह सुन सकती है, अनुभव कर सकती है सर्टेन नोट्स की, ये जो ध्वनियाँ हैं, अलग अलग ध्वनियाँ हैं, इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ हर बॉडी, की अपने शरीर के जो भिन्न भिन्न भाग हैं उनसे महसूस कर सकती है, ये उसने अनुभव किया। आगे देखिए, आई हैड लर्न टू ओपन माई माइंड, मैंने सीख लिया था खोलना अपने दिमाग को एंड बॉडी अपने शरीर को, टू साउंड्स एंड वाइब्रेशंस, ध्वनि और कंपनों के प्रति मैंने अपने दिमाग और शरीर को खोल लिया, खोलना सीख लिया था। लर्न टू ओपन का मतलब होता है खोलना, सीख लेना। आगे देखिए, द रेस्ट वॉज शीर डिटर्मिनेशन एंड हार्ड वर्क, बकाया जो भी चीज़ थी वो पूर्ण रूप से दृढ़ निश्चय और कठिन परिश्रम था। यानी कि और जो शेष चीज़ें बची हुई थी वो उस पर उसे जो सच्चा या वास्तविक दृढ़ संकल्प और कठिन परिश्रम ही शेष बचा था, और उसमें कोई कमी नहीं थी, वो आसानी से सभी चीज़ों को सुन सकती थी।